एयरबैग ओपन नहीं हुआ है लेकिन ये डैमेज हो गई इतनी तो। थोड़ा सा टाइम और मिलता तो वीडियो तो गाड़ी में बिठा ही लेता मैं। गंदी बात, शादी जुदा इंसान से। नई गाड़ी होती तो ज्यादा तकलीफ होती है एक बार गाड़ी सब में 14-15 के माइलेज में तो बिल्कुल भी नहीं। एक गलती आप लोग कर रहे हैं इसमें, वो जो बैटरी को चार्ज नहीं कर रहे हैं आप इसमें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। तो गाड़ी चल गई भाई 1300 किलोमीटर, 1300 1000 किलोमीटर पर पहली सर्विस है। तो सर्विस कराने जा रहे हैं अपनी ब्रेजा की, ब्रांड न्यू ब्रेजा की। भाई एक चीज बता दूं, मेरे पास बहुत से मैसेज आए थे जिस दिन मैं मतलब गाड़ी लेके आया, मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया, तो एक बहुत से मैसेज आए भाई हमें 13 का देरी, हमें 12 का देरी। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे लिटरली जब मैं लेके आया था उस टाइम 15 का माइलेज दे रही थी ये, और फिर 15.3 हुआ, फिर धीरे धीरे 16 हुआ, फिर 16.3, और अभी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हैं क्या बता रहा है अभी ये 16.6। तो अभी 16.6 का माइलेज मुझे मिल रहा है, और ऐसा मिल रहा है मतलब एक्चुअली मिल रहा है, 2-3 पॉइंट कम है। अब वो चलाने पे भी डिपेंड करता है। एक गलती आप लोग कर रहे हैं इसमें, वो जो बैटरी को चार्ज नहीं कर रहे हैं आप इसमें, जो हाइब्रिड बैटरी लगी है। अब भाई मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आप एक काम करिए, जो मैंने बनाया वीडियो ऊपर डाल देता हूँ, ऊपर ये देख लीजिए, उसमें आपको पूरा समझ में आएगा। वो क्या सही से चार्ज करेंगे ना आप, उसको चलाते चलाते ही वो चार्ज होगी, उसका तरीका है, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो उससे आपको माइलेज थोड़ा और ज्यादा मिलेगा, और अभी तो फर्स्ट सर्विस है, इसमें जनरल चेकअप होता है, ऐसा कुछ गाड़ी में मुझे फील नहीं हुआ। पावर और सब बहुत बढ़िया लग रही है, मजा आ रहा, नई गाड़ी होती है। मैंने काफी सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर दिए इसके, अपना एक तो डिलीवरी एक्सपीरियंस मैंने शेयर करा था, डिलीवरी लेने तो नहीं जा पाया था मैं, लेकिन जो भी छोटा मोटा खुशी का पल है वो मैंने शेयर कर दिया था आप लोगों के साथ। उसके बाद मैंने इसका हाइब्रिड की वर्किंग कैसे होती है वो बताया आपको, उसके बाद म्यूजिक सिस्टम भी मैंने सुना दिया, बहुत ही फाड़ू, बहुत ही जबरदस्त है, सुन लेना जाके एक बार। और अभी वीडियो स्टार्ट करने से 5 मिनट पहले एक अंकल बेचारे हेलमेट पहन के आए, 10 की स्पीड थी, मैं घाटी पे चढ़ा रहा था, गनीमत ये थी कि वो रॉन्ग साइड चल रहे थे और यूं कर रहे थे, तो मैंने सोचा गाड़ी को थोड़ा सा टेढ़ा करके इनको साइड दे दूं, तो आए और घुस गए सीधे आगे। ऐसा दिल टूटा मेरा, गुस्सा भी मुझे आया, लेकिन बुजुर्ग अंकल थे, उनको क्या बोल सकते हैं बबन भाई। तो मैंने उतरा, मैंने अंकल लगी तो नहीं, नहीं नहीं बेटा मुझे कहीं नहीं लगी, मेरा थोड़ा सा ध्यान कहीं था बेटा, सॉरी। मैंने अंकल आपके ध्यान के चक्कर में मेरा तो दिल टूट गया ना, वो तो अच्छा हुआ कि वो व्हील कवर में घुसे, तो वहां पे हल्के से स्क्रैच आ गए, मतलब व्हील कवर में नॉमिनल से जरा सा स्क्रैच आ गया, बम्पर वम्पर फेंडर वेंडर में घुस जाते, तो मेरा दिल निकल के वहीं सड़क पर टिचुक टिचुक होने लग जाता। चलिए खैर, ये सब चीजें तो होती रहती है, और मुझे क्या है कि सर्विस मैं 300 किलोमीटर लेट भी इसलिए हो गया, आप मत लेट हो जाएगा, आप 1000 पे करवा लीजिएगा, चेकअप रेगुलरली जरूरी है, जो कहते हैं लोग पहले 1000 पे, 5000 पे, फिर 10000 पे फ्री सर्विस है। मैं गांव पर रहता हूँ तो मुझे भोपाल आना पड़ता है 55 किलोमीटर सर्विस के लिए, और 4-5 दिन तो हुए हैं, इतनी जल्दी सर्विस पे भी आ गई क्योंकि चला रहा लपक के। अब देखिए मेरा मोटिव ये भाई, अगर ये 20 तक का माइलेज दे देगी तो ठीक है, वरना तो इसमें सीएनजी लगवाना पड़ेगा, क्योंकि अफोर्डेबल नहीं होगा यार हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, क्योंकि नहीं चला सकते फिर सिटी और इन सब में 14-15 के माइलेज में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन होप की बेटर ही होगा, क्योंकि जिस हिसाब से बढ़ रहा है 15.3 16, अब 16.6 तक आया, ठीक ठाक माइलेज दे रहा है। और जो मैंने आपको बताया कि बैटरी चार्ज करते रहना, तो वो जरूर करते रहना। और जो एक्सीडेंट वाली बात थी, ये तो अंकल ठीक है यार, उसमें ज्यादा नुकसान नहीं है, मैं अभी 2-4-5 दिन तो गाड़ी को हुए, दूसरे दिन मैंने पार्किंग में खड़ी करी थी कहीं भोपाल में, यार पीछे गया मतलब ठोक के चले गए, या तो कोई ऑटो वाला घिसता हुआ निकला है, तो बस ये एक हल्का सा एक मतलब एक लाइन आ गई कलर निकलने की। अब क्या बोला, नई गाड़ी होती तो ज्यादा तकलीफ होती है, एक बार गाड़ी 1-2 साल हो जाए तो फिर इतनी तकलीफ नहीं होती कि चलो यार होता रहता है, होता रहता हो गया, लेकिन इंसान भी थोड़ा इतना समझे यार कि यार किसी की गाड़ी ऐसे ठोकना अच्छी बात नहीं होती, दिल को छन्नी करना बहुत बेकार बात है भैया। पेट्रोल डलवाने रुक गया था, भैया मिल गए, बोलते यार ये तो बिल्कुल रेंज रोवर लग रही है पीछे से, यार ये नई वाली ब्रेजा ही है क्या? मैंने बोला हाँ भाई ब्रेजा है, अपन जैसे छोटे लोगों की रेंज रोवर यही है, कुछ भी कहो भाई, लुक्स तो मतलब अच्छा लगता है, लोग ऐसा बोलते हैं, तो मिडिल क्लास की तो रेंज रोवर यही है। लुक्स का एक्सटीरियर लुक्स तो काफी बेटर कर दिया मतलब इन लोगों ने, ब्रेजा ने इस बार जो फेसलिफ्ट अपडेट किया मतलब बहुत ही फाड़ू है, तभी तो अपन ने लिया है। और अपन आ भी गए धागा मोटर्स, तो अंदर चलते हैं, जैसा भी जो रहेगा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कितने टाइम में क्या गाड़ी मिल रही, क्या क्या चेकअप हुआ, या फिर कुछ पैसा लग रहा है या अभी नहीं लग रहा है, जो भी है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। ये आ गया भाई धागा मोटर्स लाल घाटी पर, ये बड़ा अच्छा है। जी सर्विस, सर्विस पे हाँ
तो भाई एंट्री हो रही है, एंट्री हो जाए फिर इसको अंदर छोड़ देते हैं। भाई गाड़ी जब भी छोड़े तो अपना सामान वामान जरूर चेक कर लें। मैंने आपको एक बार किया के टाइम बताया था 20 रुपये चोरी हो गए थे, तो ये सामान वगैरह अपने पूरे निकाल लें। बाकी कोई इशू पूछा था मुझसे, कुछ आया तो नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया कि सर माइलेज का ही है थोड़ा, कि माइलेज और बढ़ेगा क्या 20 तक का, बोले नहीं अभी धीरे धीरे बढ़ेगा माइलेज। बाकी जनरल चेकअप होगा जो भी होता है, मैं आपको क्लियरली अभी आगे बता देता हूँ। ये सर्विस बुक ज़रूरी होती है क्या इसमें लाना? जी सर। भाई सर्विस बुक का तो ठीक है, लेकिन एक सीन देख के मेरा थोड़ा सा दिल टूट गया। ये देखिए क्या हाल है ना यार, कुछ भी कहो लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त पड़ा। आर्मी वाले भाई की गाड़ी है शायद, सीधा इम्पैक्ट पड़ा है। इससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखिए आप इम्पैक्ट भारी पड़ा हुआ है। एयरबैग ओपन नहीं हुआ है, लेकिन ये डैमेज हो गई इतनी तो। क्वालिटी लग रही है बढ़िया यार भाई, वैसे 4 स्टार तो मिल चुके थे पिछले वाले को, इसको शायद देखते हैं कितना क्या मिलता है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये ना कोई बंदा ठोक गया था इसको, खड़ी गाड़ी को। अभी 4 दिन तो लिए हुए हुए थे, 4-5 दिन। तो बस एक ये वाला स्क्रैच इसमें ज़्यादा है, ये तो नहीं जाएगा, लेकिन ये उसका कलर लगा हुआ है शायद हल्का सा, अगर घिस के हो जाए। ये देखवा लूँगा हैं, ये तो जाएगा नहीं, ये तो नीचे एक ये पड़ गया है, ये हल्का सा वो पड़ा हुआ है। ये वाला तो नहीं जाएगा, इसको चेक करवा लूंगा, ये जो हो जाएगा। ये क्या दूसरी गाड़ी का कलर है, तो शायद वो क्या करते हैं उसको रबिंग जो कुछ करते हैं उससे चला जाता है, अगर आप देख लीजिएगा चला जाएगा अभी तो। चलो भाई अपन ने गाड़ी डाल दी, ओपन हो गए पैदल, हो जाएगी तो 1 घंटे में गाड़ी कम्प्लीट होकर मिल जाएगी। और लाल वाली गाड़ी को देख के मज़ा आया, लेकिन भाई स्ट्रांगली ठुकी हुई दिख रही थी, ऐसा नहीं पता कि कैसी क्या ठुकी थी क्या नहीं ठुकी थी। बाकी बस मैंने स्क्रैच के बोला भाई से, अगर कर दे तो अच्छी बात है, बाकी मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा कुछ काम होगा, लेकिन ठीक है अब उसके बाद पता चलेगा माइलेज वगैरह क्या मिल रहा है। थोड़ा सा पैदल पैदल भोपाल घूम लेता हूँ, क्या करूँ, देखिए मज़ा आता है छोटे इंसान, ऐसा नहीं कार वार से आया तो बिल्कुल। तो भाई ये पूरी सर्विस हमारी कंप्लीट हो गई, और सबसे अच्छी बात बताऊँ, मुजम्मिल भाई ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट करा। ये मैंने आपको दिखाया था उसके पहले, तो जो बम्प मार के गया था ना, तो दूसरी गाड़ी का जो कलर है यहाँ पे लगा हुआ था, ये पूरा निकाल दिया। बस ये है कि ये देखो आप कितनी पास से दिखाना, नई गाड़ी में बड़ा दर्द होता है देख के। क्यों पूरा मेरा दर्द हो रहा है देख के? बहुत दर्द हुआ था भाई, मुझे तो अटैक आ गया था। ये यहाँ पे बुरा भाई हमारे दोस्त हैं, उसके बाद ये तो क्लीन कर दिया उन्होंने, ये बड़ा अच्छा करा है। अब मैं उनसे थोड़ा बहुत पूछ लेता हूँ कि करते क्या है एक्चुअली, अगर वो बता दे तो मैं आप लोगों को भी बता दूंगा कि क्या करते हैं। बाकी तो वो देखिए नई झकास कर दिए बिल्कुल चकाचक इन्होंने। मुजम्मिल भाई हमारे उधर चले गए, थोड़े शर्मा रहे थे, बोले सर मैं क्या बोलूँगा आके। मैंने बोला ठीक है, लेकिन बता दीजिए कि मतलब ज़रूरी होती है कि कराना। बोले भाई सर ज़रूरी तो नहीं होती है, लेकिन क्या है कि करा लेना चाहिए तो अच्छा रहता है। नट बोल्ट वगैरह चेक होते हैं ऐसा कुछ? मैंने पूछा एवरेज वगैरह पे कुछ, तो बोले नहीं एवरेज वेवरेज पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है अभी, वो तो आपका जब ऑयल चेंज होता है थर्ड सर्विस पे, अभी आप सेकंड सर्विस पे भी आएंगे तब भी कुछ नहीं होगा, वो बोल्ट वोल्ट चेक करते हैं। सेकंड सर्विस पे अलाइनमेंट ज़रूर करते हैं और उसका चार्ज देना पड़ता है। बाकी सारी सर्विस में सिर्फ लेबर ही नहीं देना पड़ती, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी आप कराएंगे तो उसका चार्ज देना पड़ता है। तो भूरा भाई कैसी लगी गाड़ी इतनी दूर चलाई आपने? बहुत मज़ा आया यहाँ से यहाँ तक चलाने में, बहुत मज़ा आया भाई, मतलब 10 सेकंड में सो तो जा ही रही है गाड़ी। फालतू की बात है, बकवास नहीं, रियल में बताओ कैसी लग रही है? शानदार है, मजा आ रहा है, मजा आया वहाँ से यहाँ तक चलाने में। मैं इसको अड्डे तक ले जाना चाहूंगा। हाँ तो आप एक काम करो, इसको लेके चलो अपन वहाँ तक। और एक और बात बताऊँ, मैंने यहाँ पे बीच में बोला भी था कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, भोपाल घूमने जा रहा हूँ, लेकिन क्या आप लोगों ने ना भोपाल को राजश्री गुट का थूक थूक के ना पूरा लाल कर दिया, तालाब पूरा खराब करके रख रखा है। ये तो हम लोग की जन्म सिद्ध अधिकार है राजश्री गुट का, तो अब आप एक काम करो लेके चलो इसको। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. तो भाई ये हो गया पूरा सीन अपना कंप्लीट, सर्विस हो गई। अब मैं आपको एक रोड प्रेजेंस भी दिखा दिया मैंने, और ये कलर का मसला जो है उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, सब एक ही में बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा।
अब बोला भाई ईमानदारी वाला रिव्यू बता, अब तो इतनी लंबी चला दी, अब तो मतलब 5-6 किलोमीटर गाड़ी चला ली, कैसी लगी? बहुत बहुत मजा आया भाई, गाड़ी बहुत स्मूथ है। वो मेन चीज क्या है, इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, साइलेंट है, बहुत साइलेंट। पता चल रहा था इंजन चालू है? लग ही नहीं रहा था कि चालू है, ऐसा लग रहा था मैं डाल पे चला रहा हूँ गाड़ी। अरे वाह, बहुत मजा आया, लड़कियों ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ये वीआईपी रोड पे चलाते हुए आए, तभी तुम गाड़ी लेके खड़े हुए थे, मैं स्कूटी से निकला। गंदी बात, शादी जुदा इंसान से ऐसी गंदी बातें नहीं करते। चलो बताओ, कुल मिला के अच्छी लगी गाड़ी? चलो भाई अच्छा है, हमारे भाई को गाड़ी अच्छी तो लगी, इन लोगों के लिए ही गाड़ी, मतलब घूमो फिरो, ऐश करो मित्रों। और आप लोगों के लिए वीडियो रेगुलर आते रहे भाई, इसलिए आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबने इसमें ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, मतलब इंटरेस्टिंग रहा नहीं कुछ बताने के लिए, वरना और कुछ बताता मैं आपको अच्छे से। बाकी ये है कि मैं अभी हमारे भोपाल के खूबसूरत से वीआईपी रोड पे ड्राइव कर रहा हूँ, कभी आप भोपाल आए तो देखें कि किस तरीके से इन लोगों ने इसको राशि थुक थुक के लाल करा है, जो सब बात खूबसूरत है ये। तो गाइस होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि इसी अमेजिंग वीडियोस कार के बाइक के सबके ऑनरशिप रिव्यूज आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।